नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। भाई तो कैसे आप लोग? तो फाइनली आज शनिवार की रात में मैं निकला था, ऑलमोस्ट 11:30 बजे डिवाइस ऑनलाइन कर दिया भी था मैंने। तो आज कुछ बुकिंग कैंसिल्स भी हुए। ओला का अभी कल्याण में था मैं, तो 1:07 बजा था अभी भिवंडी का, कल्याण स्टेशन से था यार, मैंने कैंसिल मार दिया। बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पिकअप पे, पिकअप वो रहता नहीं वहाँ पे, फिर उसके बाद पैसेंजर को इधर उधर ढूंढो और इतना कंजेस्टेड रहता है भाई। कल्याण स्टेशन आना जाना ही बंद कर दिया मैंने, जाने को तो चले जाता हूँ, वहाँ से सवारी नहीं लेता हूँ, यहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ, परेशान हो जाओगे आप तो। खैर छोड़ो, मैं अभी कल्याण खड़कपड़ा में हूँ मैं, और बुकिंग का वेट करते हैं यहाँ से। तो आज मैं निकला था घर से, तो पहली बुकिंग मुझे लगी थी उबर का, और दूसरी बुकिंग भी उबर का ही लगा था। दोनों दो बुकिंग किया मैंने, और दो बुकिंग उबर का। 3:02 हो रहा है इस समय, टाइम भी दिखा देता हूँ आपको। 3:02 और अच्छा 3:02 हो गई, और 6 अगस्त हो चुका है। 5 अगस्त की रात को निकला था मैं, तो संडे हो चुका है अब यानी। तो भाई उबर का जो बुकिंग मुझे मिला था, पहला बुकिंग मुझे मिला था पंतनगर घाट के ऊपर से मीरा भाईंदर का, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फेयर कुछ अच्छा दिखा था, 31 किलोमीटर था। 31 किलोमीटर का जो मुझे पैसा मिला है, 551 रुपये मिला टोल के साथ, 511+40 रुपये टोल मिला है। तो 511 ये है, और 40 रुपये टोल भी रिफंड है, तो 40 रुपये टोल भी रिफंड है। और जो कैश कलेक्टेड था 691, जो फेयर हुआ था 690 रुपये हुआ था, जिसमें से 550 उबर ने मुझे दिया है। तो आप समझ जाओ कमीशन कितना लिया यहाँ पे उबर ने। मुझे टैक्स वगैरह काटने के बाद दिया है 551 रुपया, और जो टोटल फेयर था वो 690 रुपया था, तो टैक्स वगैरह काट के इतना पैसा दिया है। उसके बाद भाईंदर में था, तो भाईंदर से मैं मीरा रोड आ गया, गोल्डन सर्कल पता ही होगा आप लोग को। तो गोल्डन सर्कल से मुझे एक बुकिंग लगता है भिवंडी का, मैंने उठा लिया। भिवंडी 32 किलोमीटर का 470 रुपया मिला है, और 70 रुपया एक्स्ट्रा कस्टमर ने दिया है। 530+70 रुपया मैंने 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके आया, पर पैसेंजर ने भिवंडी का डाला था, तो उनको आना था इधर बाईपास पे, तो वहां तक मैं लेके आया उनको। तो 417 रुपया उसने उबर की तरफ से मुझे मिला है, और 70 रुपया एक्स्ट्रा कस्टमर ने दिया है, तो 417 और प्लस 70 490 रुपये का यहाँ पे काम हो गया। तो इस तरह से अपना 1000 रुपये का काम अभी तक मैंने कर लिया है, 1040 रुपये का। और 3 बज रहे हैं, और कल्याण खड़कपाड़ा पर हूँ मैं। यहाँ बुकिंग्स तो 2-3 बजे 4 बजे भाई आईडी ब्लॉक हो गई मेरी, ओला आईडी 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया ओला भाई साहब ने। 4 बुकिंग भाई कहाँ का दे रहा था मालूम है? अंबाड़ी नाका, कहाँ कहाँ का बुकिंग भाई, कौन लेगा उधर अंबाड़ी नाका, वो गांव खेड़े में रात में जाके। तो ये देखो फ्रेंड्स, ऑनलाइन किया मैंने, चेतावनी आपका क्या लिखा है भाई, महत्वपूर्ण सूचना आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चेतावनी के बाद भी आपको एक्सेप्ट रेट को बेहद कम रखा है, इसलिए अगले 1 घंटों के लिए आपको ऑफलाइन रखा जाता है, आपको कोई बुकिंग्स नहीं मिलेगी। पढ़ लो भाई, ये है ओला का नया निगम, 4 बुकिंग कंटिन्यू नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो यही होता है फ्रेंड्स। तो चलिए खड़कपाड़ा में इंतजार करते हैं। 2 बुकिंग खैर 1050 रुपये का काम कर लिया, तो कोई बात नहीं, रुकते हैं यहाँ पे और वेट करते हैं बुकिंग का, जब आएगा तो अपन लेके निकलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मैं आ गया हूँ T2 एयरपोर्ट, तो T2 के इस जगह मैं खड़ा हूँ। हाँ, ये T2 कहाँ खड़ा हूँ आप लोग देख लो, पीछे का भी एरिया, आप कहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो जो समझ गया भाई वो समझ जाओ, T2 इंटरनेशनल पे खड़ा हूँ। तो कल्याण से जो बुकिंग मिली थी वो 3 घंटे में मिल गई थी मुझे, 3 घंटा भाई, 3 घंटा कल्याण में इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मैंने ओला गो टू होम एयरपोर्ट डाला, वैसे मुझे तुरंत बुकिंग लगा, और जो बुकिंग लगा है वो एयरपोर्ट T2 का। फेयर ठीक ठाक था भाई, कल्याण से लगा है 43 किलोमीटर था, और 605 रुपया मुझे मिला है टोल के साथ, मिला है वो 605, लेकिन 605 रुपया मुझे मिला है। तो देख सकते हो आप लोग, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, 605 रुपये मुझे 6 अगस्त देख रहे हो आप लोग, तो ये मिला है मुझे 40 रुपये टोल रिफंड के साथ। तो इस तरह से जो काम है तुम्हारे भाई का कितना हो गया, 1600 रुपये का काम तो हो गया ऑलमोस्ट, 1600-1700 का काम जो भी ये हो गया है। और T2 पे आके खड़ा हूँ मैं, और देखता हूँ यहाँ से बुकिंग लगता है कि नहीं यार। कल्याण
कल्याण में मेरी ओला आईडी भी एक घंटे के लिए ब्लॉक हो गई थी। सब कहाँ कहाँ का बुकिंग आ रहा था भाई, वहाँ से दूर मुरबाड़ साइड का बुकिंग आ रहा था, चारों उधरी का आया, बच गया, मैंने एक भी बुटा। बाद में एक उबर मुझे इंटरसिटी बस था इंडे का, मुरबाड़ का ही था, मुरबाड़ के आगे इंडी करके है, तो इंडी करके वहाँ का बजा मुझे कुछ 1100 से 1500 के बीच में दिखा रहा था, 60 किलोमीटर था ऑलमोस्ट। तो भाई 60 किलोमीटर चले तो जाता मैं, 1.5 घंटा लगता था वहां से, लेकिन फिर 60 किलोमीटर खाली भी आना पड़ता, भले ही अगर मुझे 1500 भी मिल जाता तो भी वो मेरा टाइम बर्बाद होता, कुछ मतलब नहीं होता वहां पे। तो मैंने वो बुकिंग लिया नहीं, रोड भी खराब है, वन साइड भी था, रात के अंधेरे में वो रोड पे जाना भी अच्छा नहीं समझा मैंने, तो मैंने वो बुकिंग नहीं, इंटरसिटी एक्सेप्ट ही नहीं किया मैंने। उसके बाद बहुत मसम्मत के बाद उबर तो कुछ बजा वजा नहीं, लोकल बज रहा था वहां का, लेकिन फेयर कुछ सही नहीं दे रहा था लोकल, तो मैंने लोकल एक्सेप्ट नहीं किया। भिवंडी का बुकिंग 1-2 बजा था, 2, लेकिन यार वो कल्याण स्टेशन जैसा बहुत दिक्कत होता है कल्याण स्टेशन जो पिकअप का, तो नहीं लिया। फाइनली एयरपोर्ट बजा भाई साहब, जो एयरपोर्ट बजा है लागे पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया ऑलमोस्ट 7 बजे, 7:36 हो गए, थोड़ा गाड़ी वगैरह क्लीन कर लिया, गाड़ी एकदम गंदा हो गया भाई, रोड एकदम खराब है। तो अब वेट करते हैं यहाँ पे, अभी मेरा जो टोकन है वो आप लोग को दिखा देता हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, और जो मेरा टोकन चल रहा है यूबर का 21 से 25 चल रहा है, तो ऊबर थोड़ा स्लो जाए तो अच्छा है यार, 8 बजे के बाद ही मेरा ये नंबर आए, तो 8 बजे के बाद फेयर सही हो जाएगा। और ओला में जो है वो टोकन 135 है, तो ओला का बुकिंग आ जाए तुरंत तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाकी ऊबर का तो 8 बजे के पहले कर नहीं सकते, फेयर बहुत ही गंदा मिलता है आपको, 50 किलोमीटर का भी 350 रुपया मिलेगा ऐसा हो जाएगा, और वही जो 8 बज जाएगा ना तो 50 किलोमीटर का 700 मिलेगा, डबल हो जाएगा, ऐसा होता है 4 से 8 के बीच में ऊबर का, रात 4 के सुबह 8 के बीच में ऊबर एयरपोर्ट से पिकअप लेना ही नहीं आपको। अगर फेयर दिख रहा है 10 रुपए के हिसाब से आप जा सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर भी कुछ मतलब नहीं, 10 रुपए के फेयर के हिसाब से दिख रहा है, और ऐसी जगह का फेयर आपको बुकिंग मिल रहा है जहाँ पे जाके आपको तुरंत बुकिंग मिल जाए, सर्च का टाइम हो जाए तो आप तुरंत बुकिंग एक्सेप्ट कर लो। तो अभी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं था, लेकिन आज है संडे, तो संडे को बाहर इस टाइम बुकिंग मिलने वाला नहीं है भाई साहब, घूमते रह जाओगे आधा एक घंटा इधर उधर घूमेंगे फिर भी बुकिंग नहीं मिलेगा, उससे अच्छा आधा घंटा वेट करता हूँ, बुकिंग तो आ ही जाएगा, लेके चलते हैं यहाँ से एकदम धूमधड़ाका। अपने को ओला फाइनली बज गया, 8:30 पे एक ओला बजा है, थाने वेस्ट का बजा है, तो नॉर्मल बुकिंग है, देखते हैं कितना मिलता है, थाने वेस्ट चलते हैं। तो अभी एयरपोर्ट का रूट में दिखा रहा हूँ आप लोग को, कहाँ से पिकअप करना है कैसे करना है, तो ये भी आप लोग को एक बार दिखाया था, फिर भी आज पूरा अंदर तक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। सबर जल्दी नहीं करते कोई कोई, तो जबरदस्ती गाड़ी निकालना ठूस रहा, जाने नहीं दिया, लेकिन चला उसकी बुकिंग ले लूंगा मैं। तो फ्रेंड ये देखो एयरपोर्ट का रास्ता है, अभी ये बनाए इधर बहुत खराब खड्डे हो गए थे यार, बना दिया, तो इधर से आ गए अपन, ये है भाई आगमन अराइवल, तो ये अराइवल देख लो आप लोग, तो लोग पूछते हैं भाई कि ओला उबर पिक कहाँ करने हैं, तो देख लो यहाँ से सीधा एयरपोर्ट पे जैसा एंट्री किए अराइवल में, तो ओला उबर का अपने को बोर्ड दिखेगा, और प्राइवेट रहेगा, अगर आपको प्राइवेट किसी का बुकिंग लिया आपने तो P6 जाना चाहिए, उसके बाजू वाला ओला उबर के लेफ्ट साइड वाला P6 है, तो P6 में आप जाना, 160 रुपया कुछ 30 मिनट्स का लगता है, तो 160 रुपया पे करना वहाँ पे और पैसेंजर को पिक कर लेना। तो अभी यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है अपने को, जो टोकन है यहाँ पे एक पावती है वो देखो, उसको टच करूंगा मैं तो अपना नंबर प्लेट निकल जाएगा, और जब पावती बाहर खींचूंगा, गाड़ी भी डिक्की चेक हो रहा है, अभी मैंने पावती निकाला, गेट ओपन हो जाएगा, तो पार्किंग में चलते हैं, अभी बुकिंग लेके जाना है पहले नहीं जाना है, अभी वहाँ पे जाके वेट करोगे तो 1 ही घंटे का अपने को टाइम रहता है, 1 घंटे में एग्जिट करना पड़ता है। तो ये P4 का रास्ता है फ्रेंड्स, ओला और उबर P4 से पिकअप होता है, बाजू में देखा आपने P6 था, तो अभी वॉशरूम भी है यहाँ पे, वॉशरूम भी कर लेता हूँ, वॉशरूम करता हूँ, उसके बाद पैसेंजर को पिक करने चलता हूँ। ऊबर की ग्रीन की कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख रहे हो भाई, बाहर होती तो इनसे बात भी करता, अंदर बुकिंग लेके आ जाते हैं तो बात नहीं हो पाती है लोग से। तो चलिए हम आ गए हैं और पैसेंजर से बात भी कर लेते हैं अभी, पहले यहाँ गाड़ी में देखो खड़ी करके थोड़ा वॉशरूम कर लेता हूँ, ये वॉशरूम के बाजू में ये वॉशरूम रहा भाई सामने, देख रहे हो आप लोग, ये भाई अपन वॉशरूम, गाड़ी आती है जा रही भी एक दिक्कत है यहाँ पे,
बस यहाँ लगाता हूँ फ्रेंड्स, वॉशरूम करके आता हूँ, फिर से वीडियो रिज्यूम करता हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स आ गए वॉशरूम से, पैसेंजर का लगता फोन आ रहा था तो पैसेंजर से बात करता हूँ। ये अपना फर्स्ट जो आएगा ओला का आएगा, उसके बाद आएगा उबर वाला। ये देखिए ये अब लेफ्ट ले लिया, ये ओला का है, उसके बाजू में बाजू वाला लेफ्ट लेंगे तो वो उबर का 26, 25 ये सब ले लिए हम लोग। उबर का जोन आ गया तो पैसेंजर को बुलाते हैं और पैसेंजर आ भी गए हैं तो पैसेंजर को पिक करते हैं और लेके इनको ड्रॉप करते हैं फ्रेंड्स। और थाने वेस्ट का क्या हाल है को बताता हूँ मैं ड्रॉप करने के बाद। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड फाइनली एयरपोर्ट से जो बुकिंग मैंने लिया था थाने वेस्ट का 27 किलोमीटर था, वो हीरानंदानी स्टेट के आसपास का था। 27 किलोमीटर का 411 रुपये मिला है टोल के साथ, 411 रुपया। ये कुछ खास फेयर नहीं दिया ओला वाले ने। वहाँ पे जाके एक ओला बस था, मैंने पिक भी किया लेकिन पैसेंजर का आता पता नहीं, 29 रुपये कैंसिलेशन चार्ज मिला वहाँ पे मुझे। बुकिंग्स तो बहुत सारे बज रहे थे तो उसके बाद एक उबर का बुकिंग मैंने एक्सेप्ट किया। उबर का जो बुकिंग मैंने एक्सेप्ट किया है वो किया वर्ली में, और वर्ली आ गया हूँ। आज बहुत दिन से डिमांड थे आप लोग का वर्ली सी लिंक का वीडियो शूट करने का, तो मैंने वर्ली सी लिंक का भी वीडियो आज शूट कर लिया है। तो पूरा अपलोड वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। कुछ फॉरवर्ड वगैरह नहीं करूंगा, कुछ सॉन्ग म्यूजिक वगैरह भी नहीं डालूंगा, सिंपल सा कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और जो वहां से मुझे थाने से ये बुकिंग मिला था 44 किलोमीटर था, हवारे से मिला था, हावरे सिटी से 4 किलोमीटर हीरानंदानी स्टेट से मुझे दूर का बुकिंग था। तो हावरे स्टेट से मैंने बुकिंग जो लिया था 44 किलोमीटर मैंने अभी जस्ट ड्रॉप किया है मरीन लाइन्स वर्ली में। बोरीवली 55, गुराई आइसलैंड का बुकिंग आ रहा भाई साहब 55 किलोमीटर का, 700 भाई गुराई अभी जाना ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, घर पे जाना है भाई, बहुत टाइम हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा गुराई आइसलैंड जाने में। हालांकि फेयर भी अच्छा था, 700+ था, तो कोई बात नहीं। अभी जो मैं बात कर रहा था 565+40 रुपये टोल, यानी 600 रुपया मिला है, प्लस 85 सीलिंग का अलग से मिला, यानी 125 रुपया पूरा अपने को रिफंड आया हुआ है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 565 रुपया ये उबर का है और इसमें 40 रुपया मेरा टोल है, तो 605 रुपया मेरा हो गया और 85 रुपया और अलग से मिला, क्योंकि सीलिंग वाले का तो पास है नहीं तो उसका 85 रुपया और अलग से मिला। और जो फेयर हुआ था कस्टमर का 850 रुपया हुआ, 850 रुपये का फेयर और 600 रुपया मुझे मिल गए और 85 रुपया वहाँ से टोल का हो गया। और नेक्स्ट अभी यहाँ पे खड़े हैं, देखते हैं ऐसे बुकिंग वगैरह अच्छा चेंबूर वगैरह का आता है तो लेते हैं। और आप लोग के लिए वीडियो भी शूट कर दिया मैंने, कहाँ का शूट किया, हाँ सीलिंग का शूट किया, वो भी डाल दूंगा एकदम मस्त में, आप लोग देख लेना एकदम बूम बाम कर देना। एंड मरीन ड्राइव से मुझे एक फाइनली वर्ली से एक बुकिंग लग गया था, कांजूर मार्ग था यार, 2 स्टॉप, 1 स्टॉप के बाद कांजूर मार्ग था, और मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, 417 रुपये मिला है। तो इस तरह से आज जो काम हुआ तुम्हारे भाई का 3,000 से ज्यादा हो गया, 3100 का काम तुम्हारे भाई ने आज कर लिया। और अभी मैं विक्रोली में हूँ, यहाँ भरमार है लेकिन अभी घर पे जाना है फ्रेंड्स। ये देखो 417 रुपये लास्ट बुकिंग का मिला, लेकिन टाइम देख रहे हो आप, 1 घंटा 14 मिनट लग गए, 11 बजे का ट्रिप था, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो 12:50 हो रहे हैं और यहाँ पे खड़ा हूँ, और बुकिंग तो धुआंधार बज रहा भाई, फुल सर्च बज रहा है। ये देखो फिर एक सर्च बजा 11 किलोमीटर का 200, तो ये बुकिंग पे बुकिंग बजा, चलो 2-4 बुकिंग आप लोग को दिखाते हैं यहाँ से अभी। तो ओला और उबर दोनों में मिला के अपना जो काम है 3100 रुपये का हो गया समथिंग, सब मैंने स्क्रीनशॉट के साथ दिखा भी दिया आप लोग को। तो यही था आज, काम तो अच्छा था यार लेकिन टाइम बहुत चले गया ये वाली बुकिंग में, क्योंकि ये वाला एक कंजेस्टेड में फंस गया। और यहाँ पे तो भाई बुकिंग ही बुकिंग, और सब सर्च में घाट गोपर बेच 4 किलोमीटर का देख रहे हो, 4 किलोमीटर का 166 रुपये, अच्छी बुकिंग्स बज रही है यहाँ पे फ्रेंड। 11 किलोमीटर घर है तो घर पे चलते हैं एमटी, जो काम है आप बता दिया मैंने डिटेल, और पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने कल भी, आप लोग को एक अच्छी वीडियो बना के दिया था, और आज भी अच्छा खासा है बुकिंग सारा है, तो चेंबूर का नामो निशान नहीं है और बजेगा भी नहीं लगता, 10-11 किलोमीटर यहाँ से खाली ही जाना पड़ेगा। अगर बुकिंग्स मिलेगी तो आपको अपडेट दे दूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं दूंगा। तब तक जनता आप लोग लाइक बटन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाई लोग, बूम बाम।